अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर रेसिपी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 8 to 9 पीस फ़िश के, साथ में बेसन लेना है 4 to 5 टेबलस्पून और मैदा लेना है 3 टेबलस्पून। साथ में हमें लेना है नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है 1 टेबलस्पून भर के, यहाँ पे भुना पिसा ज़ीरा लेना है 1/2 टीस्पून, 1 लेमन लेना है, 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला पाउडर, साथ ही अजवाइन लेनी है ज़रा सी, यहाँ कुटी लाल मिर्च लेनी है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पिसे लाल मिर्च, और यहाँ पे मैंने ज़रा सा तड़के का रंग लिया है, आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक बोल, उसमें ऐड कर लेंगे बेसन एंड मैदा, साथ में ऐड कर लेंगे लाल मिर्च, सरसों का रंग, जितने भी स्पाइसेस हैं वो सब ऐड कर लेंगे, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, भुना ज़ीरा, गरम मसाला, अजवाइन, नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में नींबू का रस, बीजे निकाल लीजिएगा। बस नींबू का रस ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लेना है, अच्छा सा बैटर बना लेना है। पानी ऐड कर लेंगे अब इसमें हम, हमें थोड़ा थिक बैटर चाहिए। तो अब हम इसमें अपनी सारी फ़िश को ऐड कर लेंगे। अब फ़िश को इस बैटर में अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे 3 to 4 आवर्स के लिए। तो यहाँ हो गए हैं 3 to 4 आर कंप्लीट। अब हम इस फिश को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई जिसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखना है ताकि हमारा तेल गर्म हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करना कि जल जाए, बस मीडियम करना है और फिर फ्लेम को स्लो कर देना है। यहाँ पे हमारा तेल हो गया गरम और हमने फिश इसमें ऐड करते हैं। देखिए इतना गरम होना चाहिए कि बबल्स बने ऐसे। यहाँ पे मैंने फिश ऐड कर दी है, अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे कि ऑयल खुद से फिश को छोड़ दे, फौरन नहीं पलटेंगे। अब हमारी एक साइड से तकरीबन हो गई है फिश फ्राई, तो हम इसको पलट लेंगे। फ्लेम को लो ही रखेगा वरना अंदर तक सही से कुक नहीं होगी। अब दूसरे साइड से सही से पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे फ्राई हो गई है और ये है हमारी फ़िश की फाइनल लुक। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है ये और सर्दियों में तो और भी मज़े की लगती है। उम्मीद है आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।